द नेशन बिल्डर्स। हम लोग आज यूपी बोर्ड का चौथा लेसन द नेशन बिल्डर्स पढ़ने जा रहा है, राष्ट्र निर्मात्री लोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसके राइटर हैं, जिसके पोएट हैं आर डब्ल्यू इमर्सन। आर डब्ल्यू इमर्सन इस पाठ में आज के युवा लोगों को उत्साहित करने की कोशिश किए हैं, हमें प्रेरित करने की कोशिश किया है कि हमें भी राष्ट्र निर्मात्री लोगों के समान बनना चाहिए। उन्होंने लिखा है, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग। नॉट गोल्ड मीन्स भौतिक संपत्ति नहीं, धन दौलत सोना चांदी नहीं, बट ओनली मैन कैन मेक, केवल मनुष्य ही बना सकते हैं ए पीपल। पीपल मीन्स होता है लोग, लेकिन यहाँ पीपल का मतलब है कि जिस जहाँ पर लोग रहते हैं उसे हम बोलते हैं राष्ट्र। ग्रेट एंड स्ट्रांग यानी महान और मजबूत, एक राष्ट्र को महान और मजबूत केवल वहाँ के लोग बना सकते हैं। एक राष्ट्र को महान और मजबूत केवल वहाँ के लोग बना सकते हैं। भौतिक संपत्ति, धन दौलत, सोना कभी भी किसी राष्ट्र को महान और मजबूत नहीं बना सकती है। मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक, मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक, जो व्यक्ति, मैन मीन्स मनुष्य, हु मीन्स जो व्यक्ति फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक, सच्चाई और ईमानदारी के बल पे होते हैं, स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग, सबसे पहले खड़े होते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा करके सबसे पहले खड़े होते हैं और बहुत लंबे समय तक कष्ट को झेलते हैं और अपने देश को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। मैन हु यानी जो व्यक्ति फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक यानी सच्चाई के बल पे होते हैं, सच्चाई को अपना उद्देश्य बनाए होते हैं, सच्चाई ही उनकी ध्येय होती है, वे सबसे पहले खड़े होते हैं और सबसे लंबे समय तक अपने देश के लिए कष्ट झेलते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप, जो व्यक्ति बहादुर होते हैं, हु वर्क, वे काम करते हैं, यानी भारत देश के, अपने देश के जो लोग बहादुर होते हैं वे अपने देश के लिए कार्य करते हैं। वाइल अदर स्लीप, जबकि जो कायर लोग होते हैं, वे सोते हैं। तो हमें भी अपने देश के लिए क्या करना होगा, लगातार निरंतर कार्य करना होगा। सोना नहीं होगा, सोने का आशय बिल्कुल मत न सोना नहीं है, बल्कि यहाँ पर यह मतलब है कि हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए, अपने देश को मजबूत बनाने के लिए मेहनत करना होगा। हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, जो लोग बहादुर होते हैं, हिम्मत के साथ सभी चुनौतियों का सामना करते हैं। हु डेयर, हु मीन्स जो लोग बहादुर होते हैं, वे हिम्मत के साथ, साहस के साथ अब सभी चुनौतियों की, सभी परेशानियों का, सभी कठिनाइयों का सामना करते हैं। वाइल अदर फ्लाई, जबकि जो कायर लोग होते हैं, जैसे ही डिफ़िकल्टीज आता है, जैसे ही चैलेंजेज आता है, जैसी चुनौतियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, कष्ट आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, फ्लाई भाग जाते हैं, वे क्या होते हैं, रुकते नहीं हैं, वे भाग जाते हैं। दे ब्यूल अ नेशन पिलर्स डीप, ऐसे लोग जो बहादुर होते हैं वे राष्ट्र के नींव को गहराई तक ले जाते हैं। यहाँ पर आर डब्ल्यू इमर्सन ने एक बहुत ही अच्छी फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हम लोग हाइपर बोल बोलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं, का प्रयोग किया। अतिशयोक्ति अलंकार, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर सोन एज ग्रेटर आर लेस, बेटर आर वर्स देन दे रियली आर। यानी फिगर ऑफ स्पीच जो अलंकार मैंने बताया आपको, हाइपरबोल जिसका अर्थ होता है अतिशयोक्ति, किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा के या बहुत अधिक घटा के कहा जाए। मैंने बताया, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर सोन एज ग्रेटर आर लेस, बेटर आर वर्स देन दे रियली आर। वास्तविक वस्तु से या तो बहुत बढ़ा के कहा जाएगा, या तो घटा के, या तो खूब बढ़िया कहा जाएगा, या तो घटिया कहा जाएगा। ऐसे अवस्था में हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लोग बहादुर होते हैं, दे मीन्स वे ब्यूल अ नेशन पिलर डीप, वे राष्ट्र के नींव को गहराई तक ले जाते हैं, एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उसे आकाश तक पहुँचाते हैं। चूँकि लेखक का उद्देश्य, कवि का उद्देश्य हमें
राष्ट्र निर्मात्री लोगों के बारे में बताना है, ठीक है, तो वे वास्तव में कोशिश करते हैं अपने राष्ट्र की नींव को गहराई तक ले जाने का और ऊपर उठाने का, लेकिन यह संभव नहीं है कि बहुत ही अधिक गहराई ले जाएंगे राष्ट्र की नींव को और बहुत ही अधिक ऊपर उठाएंगे। इसके कारण यह अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस पोएम का सारांश क्या होगा? किसी भी राष्ट्र को महान और मजबूत वहाँ के लोग बना सकते हैं। भौतिक संपत्ति, सोना चांदी, हीरा मोती या धन दौलत किसी राष्ट्र को महान और मजबूत नहीं बना सकता है। जो लोग ईमानदारी और सच्चाई के बल पर दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं और लगातार सबसे पहले खड़े होकर सबसे लंबे समय तक कष्ट झेलते हैं, वे राष्ट्र के नींव को गहराई तक ले जाते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क, यानी जो लोग बहादुर होते हैं वे लगातार निरंतर कार्य करते हैं, अदर स्लीप, लेकिन जो लोग कायर होते हैं वे अपने घरों में सोते हैं। हु डेयर, जो बहादुर होते हैं वे हिम्मत के साथ सभी परेशानियों, सभी कठिनाइयों, चुनौतियों का सामना करते हैं, जबकि कायर लोग इन चुनौतियों को, इन कठिनाइयों को, परेशानियों को देखकर भाग जाते हैं। वे राष्ट्र के नींव को गहराई तक ले जाते हैं, यानी बहादुर लोग राष्ट्र के नींव को गहराई तक ले जाते हैं तथा उसे आकाश तक पहुंचाते हैं। राष्ट्र की नींव को गहराई तक ले जाते हैं, लिफ्ट देम टू द स्काई, और उस नींव को आकाश तक पहुंचाते हैं। इसी के साथ यह लेसन का समापन हो गया। ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी एंड हैव अ स्माइल ऑन योर फेस।